ਨੁਆਂਦਿਆਂ ਵੀ ਐਡੀ ਠਾਣੀ ਪੜੇ ਹੋਈ तो वो बहुत जबरदस्त हाइट है और लंबाई भी कितनी बहुत का पूरी लंबाई की वो अपने घर पे के कहा करी इसने बच्चे लंबो लंबो जी राम राम नमस्कार सत श्री अकाल भाई जी। मैं आपका अपना छोटा भाई राहुल सी आ गए तो फिर तो स्वागत करूं भाई आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर और लगातार वीडियो कवर करते रहो भाई ताकि आप तक अच्छा पशुधन पहुंचा सका। तो आज फिर ऐसी जगह पहुंचे हैं भाई कि जहां एक ये जो हमारे हरियाणा के अंदर आम पशुपालक जिसको हम बोलते हैं भाई वो आम पशुपालक के पास पहुंचे जिसने भाई अपना एक ब्लड लाइन के ऊपर ही अपना जैसे फार्म पर पशु तैयार करे हैं। अरे अब कुछ मजबूरी वश कारण वश भाई ने सेल करने पड़ रहे हैं क्योंकि भाई 30-40 किले की खेती भी करे है भाई साथ में साथ पशुपालन भी करे है क्योंकि एक अपना घर बनाने में लग रहा है भाई तो इसमें थोड़ा टाइम नहीं दे पाता पशु तक है तो इस करके भाई थोड़ा भाई सेल करना चाहवा है तो पूरी जानकारी पशुआ ही भाई पर लेवांगे कि कैसा पशुधन है कैसा नहीं है। तो राम राम भाई पवन है। राम राम भाई राहुल क्या हाल है। तो अपना भाई पब्लिक ने राम राम कर दे भाई। राम राम भाई सारे भाइया ने। तो भाई एक बिल्कुल आम पशुपालक जो अपने खेत क्यार वाले आप बोलते हैं कि भाई फार्मर के पास जो घर पे झोटी होती है तो ऐसे ऐसे फार्मरों के पास से ही भाई बड़े ब्रीडरों के पास या अच्छे पशुधन जाते हैं भाई तो भाई पूरी जानकारी लेऊंगा और बिल्कुल बारीकी ताप तक जानकारी पूछाऊंगा। तो भाई पवन एक बार अपना एड्रेस बता दे और एक बार मोबाइल नंबर बता दे। अपना गाँव है भाई बूढ़ा खेड़ा लाठर। नियर बता दे भाई कहाँ पड़े अपना जुलाना के। जुलाना तहसील है जिला जींद है। जिला जींद है। हाँ। तो भाई जो आप जींद से रोहतक की तरफ आते हैं तो बीच में जुलाना हल्का आता है जिससे 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बूढ़ा खेड़ा लाठर गांव है। भाई को बड़े ब्रीडर नहीं है भाई एक अच्छा पशुपालक पे काम करें भाई क्योंकि सबने पता भाई 30-40 किले खेती जो आदमी करेगा तो भाई उसके घर पे पशुधन तो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। तो भाई पवन एक बार पहला नंबर तक कौन सी झोटी दिखाओगा भाई एक बार इसने खोल भाई और इसकी डिटेल देता रहिए भाई पवन साथ के साथ है ताकि अपने व्यूवर्स ने पता लगता रहे। तो भाई आप हाइट लेंथ है भाई के साथ भाई देख सको हो कितनी हाइट लेंथ है भाई वो जैसे बोल दें कि अपना रेल का डिब्बा आ गया ना भाई पवन है वह क्वालिटी वो पशुधन है आपके पास फार्म में। तो कौन से ब्यात में चल रही है भाई पवन या अपने पास ब्याह होगी भाई चौथी बार ब्याह होगी। हाँ भाई चौथी बार बच्चा देगी। हाँ तो भाई पूरी इसकी अडर पोजिशन आप देख सको भाई। तो भाई पिच कितने पहले ब्याह थे भाई अपने पास थी भाई पवनिया। हाँ भाई पहले ब्याह पहले आए थे आपा इसने उस दिन था अपने पास है भैया। अच्छा तो कितना दूध तीसरा ब्याह तक इसने रिकॉर्ड कर लिया भाई। इसने दूध दिया भाई 20-21 किलो बुल्ला जो आम नॉर्मल चराई में हुआ है। नॉर्मल दूध बताइए भाई क्योंकि दूध की सच्चाई जमा 20-21 किलो जमा नॉर्मल चराई में देगा भाई। नॉर्मल चराई में देगा। तो भाई के साथ भाई देखो खड़ी है तो आप हाइट लेंथ का भी पूरा एस्टिमेट लगा सको हो। थोड़ा भाई लव तो फीका रह गया भाई पवन भाई थोड़ा टीम का धोखा लग गया अरे एक भी नए तो छोड़ी थी। अच्छा एक भी नए तो मना करा इसने एक भी ना होया छोड़ी ने। तो भाई ओरिजिनल पशु तो भाई थोड़ा केयर नहीं हो पाई। तो भाई बहुत अच्छा पशुधन है तो इसके कटड़े हैं भाई जो वो भी घर पे तैयार घर पे है दो है भाई। अच्छा दो है पहले ब्याज के भी दूसरा ब्याज के भी वो भी है। भाई आप इसका चालन का तौर तरीका देखा भाई और जो अडर पोजीशन है धार की सिक्स है भाई कौन इसकी धार बढ़िया है भाई एक नंबर की धार पोसा है इसके रह रहे हैं भाई टीम का हिसाब से तारिक का हिसाब से 11-12 दिन बाकी हैं जाने के 11-12 दिन बाकी है। तो भाई अडर पोजीशन बहुत अच्छी कर लेती है भाई कौन इसके चालन जानता भाई मैं इसका। अच्छा तो भाई देखो फर्स्ट टाइम मतलब भाई के पास है तो भाई ने बता दी कि 20 और 22 लीटर के बीच में बिल्कुल आराम से ठंडा दूध निकाला है झूठी बिल्कुल गरीब महस है जमा चाहे कटड़ुआ ला चाहे हाथ पे बैठ के कुसा। अच्छा अच्छा ऊपर काट ले कोई दिक्कत नहीं। तो भाई बहुत अच्छा पशुधन देखने में मिला भाई पवन आपके पास तो इसका रेट और बता दे भाई पवन कि भाई रेट क्या होगा इसका। इसके 2.5 लाख रुपये जायज बताइए भाई जमा लेनी देनी है 3.5 लाख रुपये पिछले ब्याज पे इसके लागे थे। अच्छा तो इसकी बारे में थोड़ा लो फिक्र है इसका। हां कई बार थोड़ी ही इसकी केयर नहीं हो पाई। अच्छा हाँ तो भाई हाइट लाइन है जो बहुत अच्छी है इसकी भी बस ये कट्ठी ब्याह है 3-4 बैस इस करके ना। अच्छा हाँ। तो 2.5 लाख रुपये फिक्स है भाई। हाँ तो भाई आप जो देखो रेट पर तो भाई का काम है कितना रखा कितना ना रखा
भाई ने क्वालिटी का पता है तभी इतना रेट रखा है, नहीं तो भाई बहुत कम ऐसे रेट देखने और सुनने में मिले हैं। तो कुछ ना कुछ क्वालिटी है भाई इससे कितने 2.5 लाख ये जो टीसी की है राहुल भाई। अच्छा ये अभी इससे की तैयार कर रखी है भाई तने। कौन सा पहला ब्यात की? पहला ब्यात की है भाई। तो भाई बहुत एक कटड़ा भी इस ब्यात का एक कटड़ा और है अपने पास। अच्छा एक कटड़ा उस साइड बैठा है वो भी तैयार करने लग रहा है। अच्छा तो सिमन वगैरह नहीं भाई अपने सरकारी पंचायती झोटा पे। तो भाई पंचायती झोटा भाई ने प्रेग्नेंट करवाई थी तो इसकी झोटी और दिखा दे भाई एक बार ताकि इसका भी स्वभाव ना बाकी है ब्याने का। अच्छा इसका भी स्वभाव ना बाकी है तो खोल के दिखा दे भाई पवन इसने भी। लो भाई दिखा देंगे ताकि इसका भी पता लग जा कि भाई किस क्वालिटी में है। पहला ब्यात में अभी बच्चा दे होगी भाई आप। हाँ भाई अच्छा तो भाई जो थनों का स्पेस है भाई वो आप देख सको भाई। भाई उम्मीद तो यही है कि माप जाओगी झोटी माप जाओगी। हाँ तो भाई देखो एक अच्छी ब्लड लाइन हो ना भाई उस पर थोड़ा फर्क हो जाए। तो भाई आप इसने भी देखो भाई कितना वजन लोड तैयार झोटी के अंदर फिलहाल में है। इस पर पूरा ध्यान दिया करें भाई। हाँ भाई ये पहला दिन तो भाई माँ के बराबर चल रहा है। अच्छा माँ के बराबर चल रहा है पहला दिन। तो भाई भी अर्डर पोजीशन आप देखो भाई थन कितने बढ़िया निकाल रखे हैं। पहला ब्यात में इतने अर्डर देखने में मिलते नहीं तो बहुत अच्छा पशुधन है। कोई लिया भाई पवन ने ताकि बजे दिखाना है कि किसा चालन का तरीका है और कैसा है भैया थोड़ा ऊपर मानना भाई। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो भाई बहुत ज्यादा लोड है भाई झोटी का। दूर हो जा बेटे। तो इसने भी सेल करने का विचार है भाई? ना भाई इसने रखा है राहुल। अच्छा इसने रखेगा भाई। हाँ तो चलो भाई देखिए भाई आराम और भाई मौके पर देखी जाएगी। चलो बाकी भाई बाकी भाई बहुत पीठ पुठा तो भाई इतना चौड़ा है शायद एक बुल के मिला कर ना वो आप यो एरिया देख सको भाई कितना अच्छा था। मतलब पीठ पुठा की चौड़ाई जो है भाई बाल की डाल पाल रखी है यार। बिल्कुल दे भाई पवन मेहनत लगा है किसी भी चीज में भाई इस चीज कोई शक नहीं। तो इसका भाई पवन न्यू बता दे कि भाई नीचे की क्या गारंटी ले होगा? नीचे गारंटी ले लें भी पूरी एक भी धार नहीं घटती। हाँ, पाओगे टाइम पे। अच्छा और दूध की गारंटी ले लेगा? दूध की गारंटी ले लें। अच्छा कितना की? अपना कुत्ता ही तोल के ले जाएंगे। अच्छा अगर भाई मान ले खरीद कर ये बाहर का मानस ले जाए बापा ने के भी डांगर है कि मैं उपचुक हो जाए सो बात हो गड्डी में दाब लाग जाए और कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी अपना कुत्ता भाई। हां ये होगा इसकी जानकारी। हां अपना कुत्ता दूध तलवा दें। अच्छा बहने की बात है तो भाई देख सच्चाई ही पाओगी क्योंकि भाई का अपना नेचर भी लग गया बोलन चलना तरीका भी लग गया तो एक अच्छा व्यवहार भी लग गया भाई का। तो 2.5 लाख रुपया अपन फिक्स रखा है। फिक्स है भाई। तो इसके बाद भाई अपने बूरी और एक हाँ बूरी है भाई अपने पास। अच्छा तो इसकी क्या कंडीशन है भाई जो बहुत कम देख ये भी आप पर के लिए आए थे भाई राहुल? अच्छा ये भी पहले ही ब्याह लेके आए थे भाई? हाँ पहले हम लेके आए थे की बार तीसरा ब्याह होगी अपने पास। तीसरा ब्याह होगी अपने पास ही ब्याह तो 17-18 ये भी तमाम नॉर्मल चराई में देवा। तीसरा कौन सा तीसरी बार ब्याह? तीसरी बार ब्याह होगी। दूसरा ब्याह में कितना? 17-18 आराम। सच्चाई बताइए जमा पूरी सच्चाई है भाई झूठे नहीं पाओगे अपने पास। अच्छा तो कितना दूध दिया? 17-18 है। हाँ भाई तो पहले ब्याह पर दिया था 14.5 किलो दूध। 14.5 किलो थोड़ा को नहीं होता भाई कौन पर इसीलिए ले आता यार। तो एक खोल के चला भाई इसने ताकि इसका चलने का भी तरीका पता लग गया। एक जो अपना बुरी झोटी का आग्रह की भाई तेलिया बुरी है वही कि घर में शुभ हो आग्रह भाई तो भाई ते पूरी जानकारी ले क्योंकि अभी 20+ का पशुधन है क्योंकि भाई जो बताओगा भाई उस पर आपने देखना है कि सच्चाई पाओगी या नहीं पाओगी। तो भाई पवन इसकी थोड़ी जानकारी देगी भाई पहला ब्यात में दूसरा ब्यात में कितना लंबा दूध दे है यार? एक तो लंबा है अभी दोए भी तो छोटी थी भाई राहुल। अच्छा दोए भी तो छोटी थी अभी बस अपनी सारा लंबा दूध आप अंडर पोजिशन देख सको हो। वजन अच्छा तैयार कर रखा भाई पवन इसने भी। हाँ तो कितनी उम्मीद मानना 20+ की उम्मीद मानना भाई? भाई उम्मीद तो है अब की बार तो। अच्छा हाँ तो भाई 20+ की उम्मीद भाई ने बताई है कि की बार हो सके है। सींग तो जो भाई का देसी सींग है हाइट थोड़ी कम है। सींग तो भाई देखो एक्चुअलिटी में बताऊं भाई क्योंकि अपना जो असली दूध वाली भैंस की सींग हुआ करे ना वो यह क्वालिटी हुआ करे भाई क्योंकि भाई देख मैं भी एक पशुपालक हूँ तो मैंने थोड़ा बहुत जितना भी ज्ञान उतना देने की कोशिश करूंगा। और जो सही बुरी जो प्योर आगर है भाई मेरी तरफ जो नहीं ये जो तिल आगर ना भाई शरीर पे यह एक्चुअलिटी में प्योर बुरी हुए है। तो भाई पवन इसका के रेट रखा है भाई? इसका 1.75 हुई। फिक्स बताइए भाई ताकि जमा फिक्स बताया हुई 1.65 इसका लाग भी लिया 10 दिन पहले। अच्छा 10 दिन पहले और कितने दिन और ब्याज के रहे दिन? तो इसके टाइम हो लिया इसका परसों पूरा बाकी 5-4 दिन और लेवगे भी मौसम ठंडा है। अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल बरसात का मौसम है भाई। तो भाई एक अच्छा और नीचे की बहुत बढ़िया है जमादार पुसा की इस चीज की गारंटी ले गारंटी। अच्छा
तो भाई चालन का तौर तरीका भाई बैठ बहुत ज्यादा अर्डर पोजीशन ले ली भाई पवन इसने तो अभी तो और बनाओगी भाई और बनाओगी और बनाओगी अभी तो सारा खाली पड़ा है ये देखो तुम्हारा ढीला है तो वह 20 किलो का पूरा दावा ठोके भाई स्काइप की बार ब्यात में दे देगी यार 20 किलो थोड़ा कोने होता भाई कौन है ना भाई थोड़ा कोने होता पर दे देगी है देगी भाई चलो भाई देखो अच्छा क्वालिटी का भाई उम्मीद है उम्मीद है उम्मीद है पिछला ब्यात ने देखे हाँ तो चलो भाई भाई ने इसकी भी सच्चाई बताई है तो इसका फिक्स प्राइस बता दे भाई दोबारा फिर 1,75,000 रुपया अभी जमा लेनी देनी चलो फिक्स प्राइस है भाई और वो है भाई कॉल करियो भाई जिसने पशु की क्वालिटी पसंद आओ और दूध तो भाई की गारंटी पे लेकर जाइयो नीचे की गारंटी भाई ने दे दी है कि भाई नीचे कोई भी कमी नहीं आओगी इस चीज की मैं पूरी गारंटी लूंगी तो भाई इसका 1,75,000 प्राइस है भाई यह कहाँ थे क्रॉस करवाई थी भाई अपन कौन सी पंचायती जोटा पे सारी पंचायती जोटा बोल सारी पंचायती जोटा पे तो इसके बाद भाई पवन अपना एक जोटी और है एक जोटी और है हाँ यह भी शायद गैबन है हाँ ये भी वही गैबन है अच्छा तो इसने और खोल के चला भाई वो क्या करें कि भाई 4 लाठी लंबाई की भैंस या जोटी कैश कहाँ पर वही इसकी पीठ क्वालिटी और लंबाई है भाई बहुत कम देखने मिली है मैंने इतनी लंबी जो है करें भाई जोटी तो ये फिलहाल में देखने मिली है मैंने बहुत लंबे समय के बाद क्योंकि लंबाई बहुत ज़्यादा है भाई जोटी के अंदर लंबी गर्दन है जो असली दूध की आग रहे ना भाई अपने मुर्रा में और प्योर मुर्रा है जिसने आप कहते हैं भाई कि मुर्रा कौन सी वो है तो भाई प्योर मुर्रा की क्वालिटी ये है एक हड्डी है प्योर जेड ब्लैक टेल है लंबी गर्दन लंबाई हाइट लेंथ फुल क्वालिटी में है तो भाई इसके कितने दिन रह रहे हैं भाई पवन बहन के इधर घुमा लिए भाई अगर परेशान हो जाए पशु इसके कितने दिन रहे भाई दिन ये ले होगी भाई मेरे हिसाब से 15-20 दिन और ले लेगी मेरे 15-20 दिन और ले लेगी तो पहला ब्यात में कितना दूध दिया भाई इसने पहला ब्यात में दिया था इसने 15 किलो दूध 15 किलो दूध दिया था भाई इसने खरकी ने सच्चाई बताइए भाई सच्चाई पाओगी भाई झूठ नहीं पाओगे अपना कोना सेल परचेज का काम है भाई सही ना सेल आप कर देने भाई पहला ब्यात तो सारी अपने दो रहे हैं अच्छा अच्छा हाँ तो भाई 15 किलो भाई ने दूध बताया है भाई तो नीचे की क्या गारंटी रहोगी भाई नीचे की फुल गारंटी है फुल गारंटी है हाँ अच्छा और दूध कितना उम्मीद माना 18+ रहोगी 18+ तो भाई एक बार मैं कहूँ एक बार ऊपर दिखाइए भाई एक बार क्योंकि जो यू एरिया है ना भाई एक बार देखो यू एरिया कवर कर क्योंकि एक जो लंबाई हुआ अगर ना गर्दन की और जो एक बुल की तरह तैयार कर रखी है भाई जोटी भाई ने ये जोड़ में लोटा भाई जब मानस जोटी है जोटा बैठे बिल्कुल भाई तो नीचे तो जोटा नहीं है भाई ना भाई नीचे तो जोटी है जोटी है प्योर सही दूध काटा कती 15 किलो दूध काटा है तो भाई भाई की जो बात है भाई सच्चाई मानी इस चीज में क्योंकि सेल परचेज का काम नहीं है काम पशु है पशु भी बता दे है कि ये चीज है भाई चीज ये तो कहने की जरूरत नहीं होती बिल्कुल बिल्कुल भाई पवन जो चीज होगी तो अपने आप बताओगी मैं अपने आप बताओगी भाई और तीनों चारों ब्यात का बहुत है मतलब जितनी भी 3-4 जोटी अपने पास है पहले ब्यात है सब तो मेन बात है तो अर्डर पोजिशन किसी कर ले भाई बहुत बढ़िया भाई अच्छा तो इसका रेट के रखा भाई अपन इसका रेट मौकअप कराए राहुल भाई कर ले नहीं भाई ये नहीं कर सकते अच्छा हाँ ये कुछ और देखा भाई मौकअप की और देखा गया और अगर किसी भाई का फोन आओ उसके रेट भाई रेट तो फिर वही बताने ला रहे मौकअप होगा अच्छा उसके थोड़ा टाइम का हिसाब था यार कि मैं दिखेगी जब तो अगला ने भी जिला का गला चलो चलो भाई कोई नहीं एक काम करिए भाई अगर सेल हो जाए ना तो ठीक है पर ब्याज पे जो ठीक हो पर मैंने जरूर बुलाइए ठीक है भाई जरूर बुलाऊंगा इस चीज की गारंटी ले ली है भाई पशु क्योंकि पब्लिक तक भाई एक अच्छा पशुधन पहुंचाने की मेरी कोशिश रहो हमेशा और आज तो बिल्कुल आम पशुपालक के घर पर पहुंचे हैं भाई बिल्कुल जमींदार किसान के घर पहुंचे हैं तो भाई पहले ब्याह तो अपने घर पर सारी जोटी रख रखी है और ये नहीं है कि भाई बेच दे है तो आप देख मैं आपने बता दूं भाई पहले ब्याह ही घर पर भी तैयार कर रखी है भाई ये देखो भाई जो छोटे बच्चे भाई भाई ने किस तरह से तैयार कर रखे हैं तो आप इस अंदाजा लगा सको बिल्कुल आम पशुपालक के घर पर आप पहुँच रहे आज का टाइम और गाय भी रखा है भाई ये दोनों बछड़ी किस कौन सी गाय किससे गाय की एक इस गाय की एक या बेबे कतारी अच्छा बेबे कतारी तो भाई देखो एक कितना साफ सच्चाई का काम भाई कर रहे हैं और सेल परचेज का काम नहीं है भाई का तो भाई इसका फोन आओ भाई किसे भाई का अगर लगा ले तो उसके साथ कैसे रेट के तालुकात होंगे भाई भाई उसको तो ये बताना पड़ेगा भाई ब्याह होगी जब फोन करके बता सकूंगा चलो भाई देखो मौका आ गया अगला देखो पेटा भरो बिल्कुल भाई देख सच्चाई है इस चीज में भी मैं एक बार कहूँगा भाई साइड पे खड़ा होगा एक बार सारिया की हाइट लेंथ दिखा भाई
ताकि पवन एक बार इधर आगे खड़ा होकर ना भाई अपनी चोटियां की हाइट लेंथ दिखाए एक बार, तो आप देख सको भाई कितनी हाइट लेंथ है जो इस चोटी के अंदर है भाई का, बहुत ही जबरदस्त है। शायद पवन भाई तू भी छोटा रह जाए। हाँ भाई नुआंदियान भी एडी ठानी पड़ी तो वह बहुत जबरदस्त हाइट है और लंबाई भी कितनी बहुत का पूरी लंबाई की। वो अपने घर पे क्या कहा करी इसने बच्चे लंबो तो वह लंबाई हाइट लेंथ का पशु है भाई के पास में पूरा, कहीं नहीं देखा होगा तो आज आप तक पहुँचाने का कोशिश करी है। तो इसी के साथ भाई कैसा पशुधन लगा भाई का और किसा नहीं लगा यू कमेंट करके जरूर बताइए, और जो क्वालिटी ने पहचाना ना भाई वो जरूर भाई से संपर्क करें। तो मोबाइल नंबर बता दे भाई अपना पवन एक बार, 7204 जो हमेशा 24 घंटे अवेलेबल चालू रहो। तू बता 7204 6368 68 63868। हाँ। तो यू लगातार भाई अपना स्क्रीन पर भी चलता रहेगा भाई, तो आप संपर्क कर सको हो। डाइट प्लान और बता दे भाई इनका अगर के कुछ डाल के पालन कोई डाइट प्लान नहीं भाई अपना, क्यों आगा दलिया है और ये मिक्सचर है भाई। अच्छा मिक्सचर है। हाँ। तो भाई देखो एक मिनरल मिक्सचर शायद हुआ नहीं, ये जो अपना ये नहीं चक्की लगा रहा है अशोक। अच्छा अच्छा सिंह वाल वाला। बिल्कुल बिल्कुल आयुष्मान के नाम से। अच्छा अच्छा ये जो अपना रोड पे ही आऊंगा ये डालना भाई अपना क्यों आगा दलिया बस यू डालो। तो भाई बिल्कुल भाई ने ये बता दिया है डाइट प्लान है जो भी होगा, क्योंकि लगभग कमेंट आओगे भाई डाइट प्लान साथ हम पूछ जाओ। कोई खड़ नहीं कोई बंदोड़ा नहीं कोई खड़ बंदोड़ा नहीं कोई खड़ बंदोड़ा नहीं। तो भाई इसी के साथ है राम राम भाई सारे भैया ने, फिर भी कोई कमी रह गई मेरे तो कमेंट में जरूर बता दियो। तो इसी के साथ राम राम कर दे भाई राम राम भाई सारे भैया ने। ठीक है भाई।